जैसे यात्राएं क्या करती हैं, तो एक एक बड़ा एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट आया कि यात्राएं हमें इस अर्थ में बड़ा करती हैं कि वो हमें हमारे छोटे होने का भान कराती हैं। जब तक आप कुबाटा नहीं चलोगे कहते हैं ना, तब तक आप एक अच्छे ट्रेवलर नहीं बनोगे कहा जाता है ना, भटकोगे तो जानोगे। मजा आ गया। उसको हम उसको पिट्ठू के साइड में डालो, फिर हम ऊपर कूड़ादान में डाल देंगे, या मुझे दे दो यहाँ में डाल दूंगा। एक दिन ऐसा होता था कि गिरदा को जब हम कोई शूटिंग में ले जाते थे, गिरदा टुकुर टुकुर दिखा रहता था कि ये अपने झोले से मेरे लिए भी कुछ निकालेगा। एक वो थे ना, तुमने गांधी पिक्चर देखी होगी, उसमें चन्नी एक हम लोगों का दोस्त था, डेथ हो गई पर के साल उसकी, कोविड में ही उसकी डेथ हुई। जलियांवाला बाग का दृश्य जब होता है उसमें जो सरदार भाषण दे रहा होता है वो चन्नी था, बहुत अच्छा फिल्म मेकर भी था वो, तो एटनबरो की फिल्म में उसने रोल अदा किया। अब चन्नी ने ये कहा हमसे, मतलब गिरदा को शूट करना है और गिरदा अच्छी तरीके से जो है गिरदा की केयर करनी है, तो गिरदा के लिए वो दो चार अपना अच्छी किस्म की ब्रांडी वगैरह के वो जो आधा पौवा टाइप के लेके आया था। तो उन्हें कहा हम अपने झोले में नहीं रखते क्योंकि गिरदा हाथ डालता रहेगा यहाँ, वो मेरे पिट्ठू में रखे गए। अच्छा, जब औरों के लिए किसी के लिए चॉकलेट निकलती थी या नमकीन निकलता था या केला निकलता था तो गिरदा यूँ करके देखता था कि अब शेखर मेरे लिए भी कुछ निकालेगा। वैसे मेरी बीड़ी का बंडल भी रखा था। एक जगह हम बैठे सड़क से ऊपर जरा, या सड़क से नीचे नदी की ओर बैठे, गिरदा ने अपना बीड़ी हीड़ी जलाई, बोले कहा मेरी बीड़ी भी खत्म हो रही। मैंने कहा नहीं, बीड़ी दे दूंगा मैं तुझे। गिरदा ने बिल्कुल एक बहुत ही उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखा। मैंने कहा गिरदा पिलाऊं? अरे उसके चेहरे में जो रौनक आई ना, वो कोई कैमरा ही पकड़ सकता था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्लो हो गया बिल्कुल। हुलरिये ब्याल दूर क्षितिज कोरों से मंद मंद ठुमक ठुमक, दूर क्षितिज कोरों से मंद मंद ठुमक ठुमक, सुघर मुखी रतनारी, सुघर मुखी रतनारी उतर रही सांझ। दादा गिरदा से पहली बार मुलाकात के बारे में बताइए। हम लोग जब अल्मोड़ा में पढ़ते थे 72-74, तो गिरदा उस समय ड्रामा सॉन्ग डिवीजन में थे, लेकिन बहुत पहले 1969 में जब हम इंटरमीडिएट में थे, उस समय गिरदा की एक किताब कहीं से हमारे घर पहुंची, गिरीश और दुर्गेश द्वारा संपादित शिखरों के स्वर, वो एक तरीके से कुमाऊनी कविताओं की एंथोलॉजी था, तो वह गिरदा से पहला इनडायरेक्ट परिचय था। लेकिन गिरदा से जो पहली मुलाकात थी, जब मैं 69-70 में लखनऊ गया इंटर में फेल होने के बाद। अच्छा, आप इंटर में फेल हुए? इंटर में मैं साइंस में फेल हुआ, फिजिक्स में प्रैक्टिकल में यार लोग जो फेल हुए पता नहीं क्या कारण रहा उसका, उसमें मैं भी फेल हुआ। तो लखनऊ में वो उत्तरायण कार्यक्रम का कार्यक्रम था और कुमाऊनी गढ़वाली की कवि गोष्ठी थी बसंत की, उसमें गिरदा आए थे। तो वो गिरदा से एज ए लिसनर मैंने गिरदा को पहली बार सुना, कोई इंटीमेसी या ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि उनको सवेरे की ट्रेन से आए कार्यक्रम में भाग लेके उनको रात की ट्रेन से काठगोदाम को लौटना था। 74 में जब मैं नैनीताल आया तो गिरदा वहाँ ड्रामा सॉन्ग डिवीजन के वह थे। अच्छा। तो मेरा पहला जो होस्ट था वो गिरदा था, तो गिरदा से बहुत घनिष्ठता होगी। लेकिन 74 में एक किस्सा और है जिसको बताना वाजिब रहेगा। 74 में अस्को टारा कोट पूरा करके आए, चिपको का प्रभाव था पूरे भल के भीतर, जो चिपको की वाइब्रेंसी ऐसी थी ना कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अल्मोड़ा में कुमाऊं वन संघर्ष समिति बन गई और उसने तय किया कि यहाँ लीलामी होने वाली है और इस नीलामी में हमने उसको स्थगित करना है, प्रोटेस्ट करनी है। तो सितंबर में, जुलाई में हम अस्को टारा कोट से लेटे, सितंबर में नीलामी थी, हम नीलामी स्थगित करने के लिए अल्मोड़ा में आए। जब हम नीलामी स्थगित कर दी सैले हॉल में, और उसके बाद हम एक सभा के लिए नंदा देवी का वो चल रहा था नीचे फ्लैट्स में आए, तो हमारी ऑडियंस में गिरदा थे। अच्छा। अपने तीन चार ड्रामा सॉन्ग के तो गिरदा विटनेस थे हमारे उसके, लेकिन गिरदा उस समय
इंटरेस्टेड नहीं थे या उनकी रुचि नहीं थी, और फिर हमें वो बंद मक्खन खिलाने के लिए ले गए, फिर हम अल्मोड़े को चले गए दूसरे दिन, फिर इमरजेंसी लग गई, फिर इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का वो आया तो नैनीताल में फिर नीलामियाँ हुई। उस नीलामी के समय गिरदा वॉज कंपेल्ड बाय द सर्कमस्टेंसेज कि ही हैज़ टू परफॉर्म। 77 में 28 नवंबर को नीलामी थी ये। अच्छा। और उससे पहले जो अक्टूबर में हुई थी वो स्थगित की जा चुकी थी सफलतापूर्वक, ठीक। और उसमें गिरदा आ तो रहे थे लेकिन उसमें ज़्यादा गिरदा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब ये हुआ कि धारा 144 शहर में लग गई, पीएसी का वो क्या होता है मार्च पास, नहीं क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग मार्च, पीएसी का फ्लैग मार्च पूरे राउंड द लेक। अच्छा। डरावना बिल्कुल, अरे जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इमरजेंसी से आप मुक्त हो रहे हैं और नई तरीके की इमरजेंसी लगा रहे हैं, भय का वातावरण। अब हम लोगों के नाम वारंट बताते हैं कि जारी हो गया, हालांकि हमें तो कुछ नहीं मिला, हम लोग अंडरग्राउंड हो गए थे दो दिन तीन दिन के लिए। अब ये हुआ कि प्रोटेस्ट कैसे करें, अब गिरदा और हमारी बात होती थी और हम लोगों को केंद्रीय भूमिका निभानी थी, ये संकट हुआ कि कैसे करें। तो गिरदा से बात करते करते मैंने कहा कि गोरदा ने, वो जो नेशनलिस्ट पोएट थे, उन्होंने कुली बेगार पर भी कविता लिखी थी, मैंने कहा उन्होंने सन 24 में जंगल सत्याग्रह जब हुआ था उस पर एक वृक्षन को विलाप कविता लिखी थी। मैंने कहा गिरदा, गिरदा ने कहा अरे तूने तो बढ़िया याद दिलाई, हमारे घर में गोरदा वाली किताब थी। अच्छा। तो वो रात में स्मगल की गई घर से किसी को भेज करके ताकि वो अंदेशा न हो, वहाँ से वो किताब लाई और गिरदा ने वो पूरी कविता पढ़ी, नोट किया, पढ़ा, म्यूजिक बनाया रात भर में। अच्छा। अगले दिन 28 नवंबर 1977 होने वाला था, ये 27 की रात, दो दिन से हम अंडरग्राउंड। रात में वो किताब आ गई, फिर गिरदा ने कहा यार एक बोलता हुआ कोई इसमें जोड़ना होगा, तब वो आया, आज हिमाल तुमन के धतु छो, जागो जागो वो मेरा लाल, नी करी दी हालो हमरी नीलामी, नी करी दी हालो हमरा लाल। पहली लाइन गिरदा की और दूसरी लाइन गोरदा की, पहली लाइन 1977 की और दूसरी लाइन 1924 की, शक्ति में छपी थी वो कविता। अच्छा। और गिरदा ने धुन बना दी और वो स्लो मोशन में चलती थी, आज ही माल तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो मेरा लाल, निकारणा दियो हमारी लीलामी, निकारणा दियो हमारो हलाल। स्लो मोशन में अब जुलूस चल रहा है, नीचे को आ रहा है, वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है, क्या बोलते हैं नैनीताल क्लब पर, नैनीताल क्लब है ना जहाँ पर, उसके गेट पर कर दिया, वहाँ लकड़ी के गर्डर सिंगों डाले हुए हैं, तो वहाँ से हम, वो लंबी कहानी है उसमें पढ़ना था, फिर नीचे को गाते हुए आ रहे हैं और गिरदा अपना पूरी रवानगी में है। गिरदा ऐसा जमता था ना, दाढ़ी में गिरदा है और हुड़का आत्मा है और पूरे एक्शन में गिरदा की, तुम बॉडी के लोज देखते ना, वो जैसे घूमता है, हुड़का बिल्कुल उसमें जा रहा है और फिर हुड़का साइलेंस हो रहा है, जो वो गा रहा है उसको हिंदी में नरेट कर रहा है, जागो जागो, उसका तो आह्वान मतलब उसकी तो बुलंद आवाज, नीचे को आते जा रहे हैं, नहीं कर दी हालो हमने नीलामी, फिर बीच में बहुत सारे पद जोड़े हुए। और इसको गाने को इतनी बार रिपीट किया हम लोगों ने गिरदा के साथ कि 1.5 घंटे 2 घंटे इसमें बीत गए। और जब हम गोइनोला पंत की स्टेज पर पहुँचे और हमें अरेस्ट करके पीएचसी के गाड़ी में डालने लगे, तब तक सीआरएसटी के विद्यार्थी आ गए, डीएसबी के विद्यार्थी आ गए, फिर हमने कहा नहीं अरेस्ट करने दो, हम लोगों को जाने दो, उनको फिर वो किया बाहर। उसके 1-2 घंटे बाद फिर वायलेंस वहाँ शुरू हुई, तब तक शमशेर लोग अल्मोड़े से आ गए, उनको अरेस्ट कर दिया गया, कपिलेश भोज अल्मोड़े से आ गए और बहुत सारे लोग आए। तो गिरदा का जो उस समय से जो रूपांतरण हुआ, क्रिएटिव तो थे ही वो, कवि तो थे ही और तरह तरह की कविताएं पहले भी उन्होंने लिखी थी एक से एक, लेकिन इसमें जो है ना कि एक आप एक कल्चरल एक्टिविस्ट, यानी कि बर्थ ऑफ एन कल्चर, हाँ ए बर्थ ऑफ ए कल्चरल एक्टिविस्ट जो है गिरदा का हुआ, और वो फिर तब से गिरदा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर गिरदा ने, उसके बाद गिरदा ने अपनी मृत्यु तक कभी पीछे नहीं देखा, और बीमार हो जाने के बावजूद, दिल का दौरा पड़ने के बावजूद गिरदा जिस तरीके से कंसर्न होते हैं, चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सको, चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सको, मगर कोई न कोई लिया लो, उ दिन यो दुनी में हो जाता एक दिन त आलो, उ दिन यो दुनी में। आपकी शादी कब हुई दादा? मेरी हुई थी 78 में। आप
जानते थे? उमा हाँ जानते थे हम बॉस लोग, लेकिन प्यार मोहब्बत उनकी तरफ से हुई ये कहा जा सकता है। आपकी लव मैरिज है? हाँ बिल्कुल लव मैरिज है, लेकिन वो कुछ संयोग ऐसा है वो जाति के भीतर ही वो लव मैरिज है। हाँ तो आप मतलब हाँ उसके पीछे का कुछ बताइए। उसके उसका मुझे लंबी कहानी नहीं है उसका, तो उमा भट्ट से आप पूछिए कि मतलब क्या मतलब वो आपकी मोहब्बत के क्या कारण रहे, मेरे दिमाग में तो वो आया नहीं था उसमें ही। ऐसे करके अच्छा तो मैम ने ही आपको सीधे आप? हाँ बिल्कुल सीधा उन्होंने हाँ परिवार में रिवेलियन ही उन्होंने एक तरीके से किया। वो जब ऐसा हुआ कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे से 6 महीने पहले चली गई थी, फिर वो जब नैनीताल में वो हमारे से 2 साल बाद वो भी यूनिवर्सिटी में स्क्रीन होके आई, तब फिर ये एक तरीके से प्रस्ताव है। फिर 78 में हमारी शादी। आप लोगों ने साथ में भी यात्राएं की हैं कुछ? हाँ उमा और हमने बहुत यात्राएं की। अच्छा शुरू में ऐसा था कि वही हमें लीज देती थी और हम जो है चले जाते थे। मीलम मलारी उमा ने की है, आपको आश्चर्य होगा। अच्छा। मीलम से मलारी, और उसमें उनको वो भी हो गया था, फेफड़े की प्रॉब्लम हो गई थी, तो दोनों दर्रे जब पार कर लिए फिर स्ट्रेचर में जाना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने 1 साल अपना मेडिकेशन करके ये शिमला पास किया, रूपकुंड किया, हरकीदून किया, फिर अपने को प्रूव कर लिया। फिर उन्होंने बहुत दर्रे पार किए हैं, रूपिन पास पार किया है, हाँ उसमें तो वो और उनकी बेटी हमारी बेटी दोनों थी। और कैलाश वो 2 बार गई, हाँ पहली बार में वो परिक्रमा नहीं कर पाई और दूसरी बार में वो उन्होंने अब कर ली। तीसरा जो है क्या कहते हैं ये हरकीदून किया उन्होंने, रूपकुंड किया उन्होंने, उसके बाद भूटान उन्होंने अच्छी यात्रा की, उसके बाद कैलाश की 2 की, एक काठमांडू होते हुए एक ये लिपुलेख वाली, तो उन्होंने बहुत यात्राएं की। और लड़कियों के महिलाओं के इंडिपेंडेंट दल लेके पिंडारी वाला भी किया और सुंदर ढूंगा वाला भी किया, मीलम वाला तो पहले किया था। शिमला बहुत कठिन था क्योंकि दारमा आप ब्यास से शिमला पास करके दारमा में आना होता था, वो बहुत कठिन था, वो भी उन्होंने किया। दो लड़कियाँ उनके साथ थी, हमारी स्टूडेंट थे बल्कि वो। उन्होंने बहुत ऐसी यात्रा की, मैं इस बार उनको मनाया हमने कि आप अपने यात्रा संस्मरणों को लिखिए अपने तरीके से लिख रहे हैं। दादा कुछ कुछ नाम मैं आपको लूँगा, उन नामों के से रिलेटेड कोई मेमोरी या जो भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग मेमोरी आती है वो बताइएगा। नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र का जो था हमारी तो नरेंद्र से जो दोस्ती थी वो 83 में जब पहाड़ का विमोचन पिथौरागढ़ में हुआ तो नरेंद्र भाई आए, उसमें तक उनके ये वो उसमें सूचना विभाग में काम करते थे, तो हम उनकी कविताएं जो हमने कुछ पढ़ी थी और वो थी, तो उसके कारण वो तो था ही, और दोस्ती हमारी शुरू हो चुकी थी क्योंकि नैनीताल समाचार 77 में शुरू हो चुका था। नैनीताल समाचार फिर एक ऐसा अड्डा बन गया जहाँ गिरदा भी आया और जहाँ फिर सभी तरीके के लोग जुड़ने लगे, पलाश विश्वास, कपिलेश भोज, जितने नए पढ़ने लिखने वाले थे। फिर युगमंच नैनीताल में बन गया, उसमें हमारी सब टीम इन्वॉल्व थी, तो थिएटर वाले आने लगे, फिर ये डामर छाउंड। कोई एक किस्सा नरेंद्र सिंह नेगी के साथ का जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग या कभी ना भूलता हो? नरेंद्र नेगी के साथ के पता नहीं कौन होंगे, मैं नंदा देवी राजजात के समय का सुनाता हूँ। 2000 की जो नंदा देवी राजजात थी उसमें जब हम गए वहाँ तो वो बड़ा मार्मिक है, चल रहे थे, नारिन को दिक्कत भी हो रही थी चलने में। जब हमने वो जूरा गली पार करके फिर हम उसमें आ गए, नंदाकिनी में आ गए। नंदाकिनी में जब नीचे को आए तो उसमें जो नीचे पहले गांव आते हैं उन गांव में हम पहुंचने वाले थे, तो नरेंद्र तो फोक हीरो थे ना, बिल्कुल नरेंद्र तो बिल्कुल हीरो की तरह थे। और वो गाँव में नरेंद्र का स्वागत हो रहा था और उनके घर की जो पलंग थी वो नरेंद्र नेगी के लिए सजी हुई थी। अब हम जरा पहले पहुंच गए, हम फिर चल रहे थे, नरेंद्र बेचारे पीछे ठुमुक ठुमुक आ रहे थे, तो हम गए वहाँ, उनका खबरदार इधर मत जाइएगा, ये नरेंद्र नेगी जी के लिए है। नरेंद्र भी नहीं कहा, नेगी जी के लिए। मैंने कहा हाँ वो तो, हमने कहा हमें कहीं बैठ सकते हैं? यहाँ यहाँ बैठ जाओ। बाहर बैठ, बाहर बैठे, वहाँ बैठे तो नरेंद्र नेगी थोड़ी देर में थके मादे आ गए, 2-3 जगह वो भी फिसले थे हमारी तरफ, पूरे पीछे से जो है मिट्टी लगी हुई थी, गीलापन था। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा आप, उन्होंने कहा कि भाई जी ऊपर आए, तो उन्होंने कहा मंदिर से कहा यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा नहीं हम यहीं बैठे हैं, तो अब क्या कहते हम कि इसने हमें यहाँ बिठा रखा? तो उन्होंने एकदम से नरेंद्र भाई ने कहा आपने चखरदा को यहाँ बिठा रखा है? तो उन्होंने कहा कि वो आपके लिए पलंग है औरों के लिए नहीं है। अरे वो पलंग में पहले मेरा
दाजी सोया फिर ना सोया। तो उसका उसका जो लोगों में जो लोकप्रियता थी ना नैनन की, वो पूरा पलंग बिठाया हुआ है, अब आ रहे हमारे नैनन देवी करके। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों उसी में पलंग में सोए। विजय नंगवाल के तो बहुत संस्मरण है। सबसे बड़ा संस्मरण तो यही था कि जब वो जब भी मिलते थे, नैनीताल आए, वहाँ आए, तो बस सबसे पहले तो यही आलिंगन होगा। आलिंगन के बाद फिर वो सिर को जरा मलासेंगे, कैसे उसे कर फलाना ये वो करके। उनका एक बहुत ही स्लो मूविंग स्कूटर था, जिसमें ये भी होता था कि भाई साहब जरा अपनी गाड़ी करो, अरे भाई जाओ, तुम्हारे सड़क तो खाली पड़ी है। उनका ऐसा स्कूटर था, ऐसा लगता था कि उसमें ब्रेक हैक नहीं लगते या कुछ नहीं करते, या मेरे से कहेंगे कि तू अपने पैर नीचे लगा, मैं दही ले आता हूँ। फिर वो ईशा का सर्वश्रेष्ठ दही लेके आएंगे। और बड़ी रौनक घर में रहती थी। फिर उनको यही शिकायत रहती, यार तुम कुछ अद्धा पवा तो करते नहीं हो, अब हैं अब तुम्हारे चक्कर में मुझे दही खाना पड़ रहा है करके। और भाभी जी भी बड़ी प्यारी थी, उन दिनों माँ भी जीवित थी वीरेंद्र की, और पिताजी भी थे, बड़े प्यारे लोग थे। वो वहाँ जाते, सरेश मटियानी भी एक बार आए तो वहीं रहे। उनकी जो पहाड़ के कवर में जो सरेश मटियानी की फ़ोटो छपी है, जो बहुत चोरी होती है, इधर बहुत छापते हैं लोग, वो बेसिकली बीरेंदा के जो बरेली वाला रेंट कंट्रोल का घर था, उसकी छत पर वो फोटो खींची गई थी। अच्छा। बीरेंद्र नंगवाल नैनीताल में भी आते थे तो हल्का होता था कि पहले राजू के यहाँ जाएंगे, फिर अपने पुरानी जगहों में जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट रहे और असिस्टेंट कमिश्नर के बेटे रहे, फिर और कभी रहे, और फिर उसके बाद ऊपर हमारे घर की पूरी चढ़ाई चढ़ के वहाँ आ जाएंगे। सावन बीता पर अब तक हुई नहीं बारिश, पेड़ों की अंतस धारा भी ज्यों खुश्क हुई, कुम्हलाए नरम नवेले पत्ते जामुन के। सुंदरलाल भगुना, सुंदरलाल भगुना ने तो हम लोगों को खोजा 74 में। उनसे बहुत बाद में बहुत बहसें, बहुत नाइतफाकियाँ होती थी, लेकिन मतलब क्या उनकी भी संवेदनशीलता की, आप मतलब असीम, जिसको कहते हैं ना, जिस तरीके से ट्रेवल करते थे, जिस तरीके से जाते थे सर्वोदय के। वो तो कांग्रेस के लीडर थे ना, फ्रीडम फाइटर भी रहे थे, कांग्रेस के लीडर थे। और बिमला जी अगर उनके लाइफ में नहीं आती तो पता नहीं वो क्या होते, मंत्री होते क्या होते, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा प्रबुद्ध, हाँ हाँ बिल्कुल होते, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर होते। सर्वोदय में वो सरला बहन के शिष्यों में थे, क्योंकि सरला बहन की सबसे प्रिय शिष्या बिमला जी उनको विवाही थी। तो 74 में वो जो मैं बता रहा था, जो शक्ति का लेख था, उसको पढ़ के वो हमें खोजते हुए आए। और पूरा जो अस्कोटारा कोट का आइडिया ही सुंदरलाल बहुना ने दिया। जब हम उसी अस्कोटारा कोट 74 की यात्रा में उनके आश्रम वहाँ गए, क्या बोलते शिलारा गए, तो हमने उनका जो शिलारा आश्रम देखा, वो तो देखा कि कितनी मेहनत से उन्होंने उस आश्रम को दोनों मियाँ बीवी ने बनाया था। फिर वहाँ जो स्कूल चलाया था दलितों के लिए, लड़कियों के लिए, वो अपने आप में एक नई बात थी। और जो उनका अपना कैरियर रहा, एक सर्वोदयी, एक प्रजामंडली की हैसियत से भी उन्होंने दलितों को मंदिर में डालने के लिए जो किया, मारपीट तक सहनी पड़ी उनको। बूढ़ा केदार में जब वो दलितों को मंदिर में ले जा रहे थे, बहुत हमले किए गए। प्रतिभाशाली इतने कि मतलब वो कितनी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, कि गुड़ाई करके आ रहे हैं, फिर वो अपना घर में आ गए, फिर पढ़ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। लिखने का उनका बहुत, यानी कि आप लिख रहे हो पहली राइटिंग में, आपको एडिट नहीं करना है, आपको करेक्ट नहीं करना है, सच्चे मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ये सब सुंदरलाल जी में था। बारहमासा के बारे में जितना मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, ये एक बड़ी रचनात्मक उम्मीद की तरह मुझे लगता है। ये किसी कॉरपोरेट का काम नहीं है, ये लोगों के बीच से उगे हुए बहुत साधारण लेकिन बहुत प्रतिभाशाली लोगों का उद्यम है। तो इसको एक पीपुल्स काइंड ऑफ मूवमेंट बनाने के लिए आप सबको अपने अपने तरीके से शिरकत करनी चाहिए। वैसे भी मुफ्तखोरी अच्छी नहीं है, हर चीज़ हम खरीदते हैं, एक रुपये का सिर धोने वाला क्यों ना हो, और क्या 2 रुपये की बीड़ी का बंडल क्यों ना हो, और 20-25 रुपये का छोटा आधा पौवा क्यों ना हो, उस सब में तो हम खर्च करते हैं। तो फिर हम एक अच्छी एजुकेशनल मूवमेंट के लिए या चैनल के लिए या वेबसाइट के लिए भी हमें पे करना चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि आप बारहमासा को भी नवाजोगे।